वेलकम गाइस बैंड यूट्यूब प्रयागराज में मैं आशीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग ओ लेवल के M2R5 रिवाइज 5 सिलेबस में सेकंड कंपलसरी पेपर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट का इंट्रोडक्शन क्या है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, इन सारी चीज़ों को कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। गाइज, उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे एडिटर पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडिटर को देखते हैं कि एडिटर है क्या और ये रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है बाय एडिटर की। तो गाइस, जो अभी हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। और वो फ्रेंड जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9140722802। ये नंबर लिखा हुआ है गाइस, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडिटर क्या होता है। तो गाइस, एडिटर क्या है? एडिटर या टेक्स्ट एडिटर, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं और आपके सिस्टम में या तो दिए गए हैं या इन्हें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि हम या इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं बाहर से भी या हमारे सिस्टम में दिए गए टेक्स्ट एडिटर से भी हम वर्क। तो टेक्स्ट एडिटर बेसिकली है क्या? टेक्स्ट एडिटर वो सॉफ्टवेयर है जिस पे यूज़र कोई टेक्स्ट क्रिएट कर सकता है, उसको फाइल को एडिट कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता है। अगर हम टर्म ऑफ बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कि एडिटर्स क्या होते हैं, तो एडिटर वो सॉफ्टवेयर है, वो है जिसमें हम सोर्स कोड लिखते हैं और उस कोड को हम लोग क्या करते हैं, एडिट कर सकते हैं। कोई एरर है तो उसको ढूंढ के सुधारा जा सकता है और बाद में वो कोड को हम राइट करते हैं, मतलब रन कराते हैं। ठीक, जैसे नोटपैड और वर्ड पैड, मैंने पहले ही बताया है कि HTML लैंग्वेज जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है, बेसिकली नोटपैड पे भी कर सकते हो और बाहर से भी आप कर सकते हो। जैसे नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, ड्रीम व्यूअर 8, देव वेब है, तो ऐसे बहुत सारे एडिटर्स हैं। एडिटर्स मीन्स सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप वेब डिज़ाइनिंग की कोडिंग कर सकते हो। ठीक, तो बेसिकली नोटपैड और वर्ड पैड आपको विंडो के साथ OS के साथ आपको इंक्लूडेड मिलता है, जिसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक, तो गाइज अभी मैंने आपको क्या समझाया कि एडिटर जो होते हैं यार, टेक्स्ट एडिटर वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा यूज़र कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल तैयार कर सकता है। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है वो भी आप कर सकते हो, वेब डॉक्यूमेंट तैयार करना है वो भी आप तैयार कर सकते हो। लेकिन इन सब में अंतर क्या होता है, हर फाइल का अपना एक्सटेंशन होता है और उस एक्सटेंशन की वजह से वो फाइल डिफ्रेंशिएट होती है। टेक्स्ट मैटर है तो .txt होगा, HTML है तो .html होगा। तो यही चीज़ है आपका एडिटर। एडिटर क्या होते हैं? एडिटर और टेक्स्ट एडिटर दोनों सेम है, आर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल द यूज़र टू क्रिएट एंड एडिट द टेक्स्ट फाइल। इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द टर्म
editor usually refer to the source code editor that include many special feature for writing and editing code. Notepad and WordPad are the same common editor. ये दोनों common editor हैं used by Windows OS के द्वारा use किए जाते हैं. And VI, Emacs, Jet, Pico, ये जो editor हैं ये Unix के editor. Unix आपका CUI based operating system होता है guys, उसमें ये editor use किए जाते हैं. चलिए हम बात करते हैं type of editor. तो गाइस बेसिकली जो एडिटर होते हैं वो पांच टाइप के होते हैं. लाइन एडिटर, एक्सट्रीम एडिटर, स्क्रीन एडिटर, वर्ड प्रोसेसर और स्ट्रक्चर एडिटर. ये पांच एडिटर आपके होते हैं. लाइन, स्ट्रीम, स्क्रीन प्रोसेसर, सॉरी वर्ड प्रोसेसर एंड स्ट्रक्चर. ये पांचों एडिटर क्या होते हैं हम आपको वन बाय वन समझा दे रहे हैं और ध्यान दे लीजिए. ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है फिलहाल, आप जानते रहिए. लाइन एडिटर क्या होते हैं? लाइन एडिटर वो एडिटर होते हैं जो एट अ वन लाइन, या आप कह सकते हो कि केवल एक ही लाइन को एडिट करते हैं. ऐसे एडिटर जो सिर्फ एक लाइन को एडिट कर सकते हैं, इंटीग्रल लाइन, यानी कोई पर्टिकुलर लाइन बाय लाइन को एडिट करना, तो ये क्या कहलाते हैं? लाइन एडिटर कहलाते हैं. एग्जांपल में टेली प्रिंटर, एडलिन, टेको, ये एडिटर जो हैं, एडिटर के नाम हैं, ये लाइन बाय लाइन वर्क करते हैं. एक्सट्रीम एडिटर क्या होते हैं? वो एडिटर जो हर लाइनों को, सीक्वेंस ऑफ लाइंस, कहने का मतलब आप कह सकते हो कि इट मीन्स पैराग्राफ. पैराग्राफ क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ लाइन होता है, कलेक्शन ऑफ लाइन होता है. तो ऐसे एडिटर जो कि कंटिन्यूअस लाइन बाय लाइन को, एक स्ट्रीम मतलब शाखा, जैसे वन बाय वन के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से पूरे के पूरे एक पैराग्राफ या पूरे पूरे सोर्स कोड को ही रीड कर. ठीक, इसमें आ जाता है आपका शेड एडिटर. जैसे यूनिक्स में शेड एडिटर होता है. ठीक, अब स्क्रीन एडिटर की बात करें. स्क्रीन एडिटर वो एडिटर हैं जिनको हम कर्सर के द्वारा स्क्रीन पे मैनेज कर सकते हैं. अब बात समझ में आ रही होगी गाइस. नोटपैड आपने देखा होगा, वर्ड पैड देखा होगा. अगर हमको एडिट करना है, बीच के शब्द अगर गलत हैं, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे कर्सर को ले जाके क्लिक करते हैं तो कर्सर ये हमारा मूव करने लगता है. तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एक स्क्रीन एडिटर है. अगर हमें यहाँ से ऐप को हटाना है तो गाइस ये पीडीएफ की फाइल है, लेकिन अगर यही नोटपैड और वर्ड पैड में होता तो ये कर्सर से यहाँ से हट जाता. ठीक, तो लाइन एडिटर आपका एक लाइन को एडिट कर सकते हो. स्ट्रीम एडिटर क्या? सीक्वेंस ऑफ लाइन होता है, यानी किसी पैराग्राफ पूरी पूरी लाइन लिखी हुई है उसको आपको एडिट करना है तो आपको स्ट्रीम एडिटर. और स्क्रीन एडिटर क्या होते हैं? वो एडिटर जिनमें आप कर्सर के द्वारा मूव करा के आप एडिट कर सकते हो. वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर आपके वो एडिटर हैं गाइस जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो आया था, यूटिलिटी एडिटर जो आए थे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आया था नोटपैड और वर्ड पैड, उनमें कुछ कमियां थी. जैसे हम कलर चेंज करना, इमेज लगाना, वीडियो लगाना, फॉन्ट का यूज़ करना, बहुत सारे फॉन्ट का यूज़ नहीं कर पाते थे. तो इसके लिए फिर क्या बनाया गया? जैसे एमएस ऑफिस बनाया गया. एमएस ऑफिस क्या है? एक पैकेज है, एक वर्ड प्रोसेसर एडिटर है. ठीक,
तो जो स्क्रीन एडिटर में कमियां थी, लिमिटेशन थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जो बनाया गया उसी को वर्ड प्रोसेसर एडिटर कहते हैं। ठीक, इसमें हम एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, जैसे हम फोटो लगा सकते हैं, इंसर्ट इमेज कर सकते हैं, कोई फाइल्स इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक, साइज, स्टाइल, इन सब सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर एडिटर क्या होते हैं। ये एडिटर जो स्ट्रक्चर एडिटर होते हैं वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ किए जाते हैं, और ये एडिटर जो है किसी कोड को लिखने, सोर्स कोड को लिखने और उसको एडिट करने के काम में आता है। जैसे IDE, आपने टर्बो सी का नाम सुना होगा, टर्बो C++ का नाम सुना होगा, या जावा का एडिटर आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे एडिटर हैं जो कि सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक, तो उसमें मैंने यहाँ पे दिया हुआ भी है, नेटबीन IDE है, जी एडिट है, टर्बो C++ है। तो ये सारे एडिटर क्या हैं, एक स्ट्रक्चर्ड एडिटर हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए बनाए गए। तो गाइस, आपको पता चल गया कि एडिटर क्या होते हैं और एडिटर कितने तरह के होते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि HTML के में हम कौन कौन से एडिटर यूज़ करें, एडिटर ऑफ HTML। तो बेसिकली अगर हम बात करें एडिटर इन HTML में, तो HTML में आप तीन एडिटर को ज़्यादातर यूज़ करते पाओगे, और वो है नोटपैड, दूसरा है नोटपैड +++, तीसरा है सबलाइम टेक्स्ट। ये तीनों एडिटर यूज किए जाते हैं फ्रीली। ड्रीमवीवर 8 भी है जिसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, देव भी एटसेट्रा, ये भी इसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है। नोटपैड आपको विंडो के साथ मिलता है गाइस, जो कि आप यूज़ करते हो। नोटपैड +++ फ्रीली एक सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे भी। इसी तरह सबलाइम टेक्स्ट भी है जो कि एक फ्रीली सॉफ्टवेयर है और जिसको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं टेक्स्ट एडिटर को। सिंपली ओपन करते हैं हम लोग अपना इंटरनेट। गाइस, हमारा इंटरनेट बंद है, थोड़ा सा हम इसको ऑन कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने डाला क्या, नोटपैड +++। सिंपली आपको गूगल सर्च मारना है नोटपैड +++, ये सामने लिखा हुआ है नोटपैड +++ डाउनलोड करने के लिए। ठीक, आप इस पे आइए, यहाँ पे आपको कुछ वर्जन्स मिलेंगे। ठीक, तो जो न्यू वर्जन आप रिलीज़ हुआ है, साइज ये 32 बिट के लिए है, 64 बिट के लिए हमें करना है, ध्यान में रखिएगा। ये रहा 64 बिट के लिए, इसका एक जीप पैकेज हम क्या करें, डाउनलोड कर लें। इसका हम लोग पहले लेटेस्ट वर्जन देख लेते हैं कौन सा है, यही आया। चलिए
इसको हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है गाइस, इसको हम लोग अनजिप करके इंस्टॉल करते हैं। ठीक गाइस, तो ये आपका इंस्टॉल हो चुका है, स्ट्रक्ट किया और इंस्टॉल हो गया। अब ये फाइलें पड़ी हुई हैं, बाकी आप फालतू फाइलों को हटा सकते हैं। चलिए आप हटा लीजिएगा अपने सिस्टम में। तो इस तरह से हम नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम गाइस, आपको सबलाइम टेक्स्ट भी मिलेगा, आपको सिर्फ सिंपली सबलाइम टेक्स्ट डालना है। और ये आपका एडिटर आपके सामने आएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हालांकि मैंने एक को डाउनलोड कर लिया है, तो अब हमें डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी एडिटर। तो गाइस, अब आपके पास तीन एडिटर है, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, या सबलाइम टेक्स्ट है। ये तीनों पे आप किसी पे वर्क कर सकते हो नॉर्मली। अब वर्क कैसे किया जाता है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड पे ही देखते हैं। तो नोटपैड के लिए हमने सिंपली कुछ नहीं किया, विंडो प्लस आर प्रेस किया, आप लोगों को पता होगा, और नोटपैड हमारा खुल के सामने आया। अब अगर हम इस पर कुछ कोडिंग करते हैं गाइस, थोड़ा सा हम फॉन्ट की साइज़ बढ़ा लें ताकि आप लोगों को दिखे कि हम कर क्या रहे हैं। चलिए, यहाँ पे हमने लिखा HTML। ये कोड क्या है बाद में हम लोग समझेंगे इसको। ये नॉर्मली आपको दिखाने के लिए हमने किया हुआ है। कैसे इस पर वर्क किया जाता है, हमने लिखा टाइटल, टाइटल में हमने यहाँ पे डाला वेब पेज। टाइटल को क्लोज किया और हेड को क्लोज किया। ठीक, अब इसके बाद बॉडी के अंदर हमने लिखा हाय आई एम लर्निंग वेब डिजाइनिंग। अब उसके बाद हमने बॉडी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और यहाँ HTML को क्लोज कर दिया। ये ओपन क्लोज का चक्कर क्या है बाद में समझाएंगे हम आपको। तो इस तरह से हमने क्या किया, टेक्स्ट को लिखा। एक एडिटर हमारा ये है। अब इसमें वर्क कैसे करते हैं, हमने क्या कहा इसको सेव करना है। तो चाहे आप फाइल पे आके सेव करो, चाहे आप कंट्रोल एस प्रेस करो। और कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद
यहाँ पे कोई नाम डालो, जैसे हमने डाला यहाँ पे वेब पेज वन। अब इसका हमें एक्सटेंशन देना है, तो चाहे यहाँ पे आप डॉट करके लिखो या आप यहाँ पे आओ, शो नहीं हो रहा है गाइस, यहाँ नीचे आप करेंगे तो पूरी फाइल खुल के आती है। तो अगर शो नहीं हो रहा है तो आपको सीधे सीधे लिखना है .html या stm। ध्यान में रखिएगा कि नाम देने के बाद हमें क्या लिखना है, html या stm, अगर आपको नहीं मिलता है। अदरवाइज आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी फाइल खुल जाएगी और वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो html। ठीक, अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सेव कर। अब यहाँ पे जैसे सेव करेंगे तो ये वेब पेज बन गया, जो डॉक्यूमेंट आपका बना था वो वेब पेज में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप ओपन करोगे तो ये किस में खुलेगा, आपके ब्राउज़र पे खुलेगा। हाय आई एम लर्निंग वेब डिज़ाइन। अब जैसे यहाँ पे है, हमने क्या लिखा, बिजी कलर। और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, ग्रे। अब हम इसको सेव करके वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए इस पेज का उसने कलर क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो गाइस यही है हाइपर टेक्स्ट। हमने कोड किया था टेक्स्ट में और इसने किया क्या कि उसको कन्वर्ट कर दिया। तो गाइस इस तरह से कोडिंग हमको करनी होती है अपने टेक्स्ट एडिटर पे। तो आपको नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपको इसको सेव करना है और सेव करते समय आपको याद रखना है कि हम इसी में .html लगाएंगे या .htm, नाम पेज का ठीक साथ .html या .htm। ठीक गाइस, सेम चीज़ आप, सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे कर सकते हो नोटपैड प्लस प्लस में। हमें कुछ नहीं करना है, हमने अपनी फाइल को यहाँ पे न्यू दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे html हेड टाइटल। इसका टाइटल हम कुछ भी दे देते हैं, दूसरा पेज वन टाइटल क्लोज। अब हम लोग आते हैं किस पे, बॉडी पे, यहाँ पे हमने लिखा बीजी कलर। यहाँ पे हमने दिया रेड, इसको क्लोज किया। हाय दिस इज बाइनरी टेक। बॉडी क्लोज एसटीएम। ठीक गाइस, अब आपको बस कुछ नहीं करना है, फाइल में आना है, सेव करना है या कंट्रोल या प्रेस करना है, ये आपसे फिर से पूछेगा। तो अब इसका हमें नाम देना है, हमने दिया पेज टू डॉट एसटीएम या एसटीएमएल, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये देखिए गाइस खुल गया ना। अगर आपको वहाँ पे HTML नहीं लिखना है, यहाँ पे आते हैं, अगर आपको .html नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HJ। ठीक गाइस, अब आप इसको सेव कर दीजिए।
आपको कुछ नहीं करना है, ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाना है और यहाँ पे से चूज़ करना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप फाइल, और उसको आपको क्लिक करके सेव कर देना। इसका कलर चेंज हो गया, देखिए गाइस अब ये आपका क्या है, पेज टू के नाम से सेव हो। अब इसको आपको करना क्या है, ओपन कर लीजिए। गाइस फाइल सेव नहीं हुई क्या, सेव एज कर लेते हैं एक बार, पेज टू डॉट html। एक दोस्त अब यहाँ पे देखिए आपका एक पेज में मैंने ग्रीन किया था, दूसरे पेज में हमने क्या किया, रेड किया, और आपके सामने लिखा हाय दिस इज़ अ बाइंड। ये क्या है, एक वेब पेज है। इसी तरह से हम नंबर ऑफ वेब पेज बना के क्या करेंगे, वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। और ये जो वेब पेज या पेज वन लिख के आया है, यही किसी पेज का क्या है, टाइटल है, जो हम टाइटल में देते हैं। तो इस तरह से गाइज हम अपने नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में या सबलाइम टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ चेंज करना है, यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया H1 लिखा, H1 के अंदर हमने डाला ऐप, बाइंडी ट्यूब प्रयागराज, ठीक। और हमने यहाँ पे H1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक। अब गाइज हमने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है लेकिन क्लोज किया है किससे, कैपिटल से, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है आपकी, ठीक। अब ये आपके सामने दिख रहा होगा ऐप बाइंडी ट्यूब प्रयाग। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो गाइज हम लोग वापस चलते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमें कैसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद उसे वर्क कैसे की। अब वही चीज़ हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है कि आप कैसे कोई फाइल को क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे या एडिट करेंगे। तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला है अपना नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइन टेक्स्ट को ओपन कीजिए, उस पर कोड लिखिए, कोड लिखने के बाद सेव द फाइल विथ एक्सटेंशन, उस फाइल को एक्सटेंशन के साथ आप क्या कीजिए, सेव कीजिए, या तो आप .html लगाइए या आप लगाएंगे .htm। भूलना मत गाइज ये आपसे एक नंबर क्वेश्चन पूछता भी है कि html फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक। यहाँ पे हमने एग्जांपल दे दिया, जैसे वहाँ पे हमें पेज के नाम से बनाया था, यहाँ हमने लिखा web.html। फिर आपको क्या करना है, सिंपली उस फाइल को अपने ब्राउज़र पे रन कराना। ओके गाइज तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग बाइंडी ट्यूब प्रयागराज। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे आप हमको मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक। अगर आपको विजिट करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, www.bindytube.in। अगर आपको हमारे वीडियोस देखने हैं तो YouTube पे आप बाइंडी ट्यूब प्रयागराज को सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और
शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना है, फुल कोर्स के वीडियोस आपको हमारे ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से मिलेंगे, तो आपको प्ले स्टोर पे नॉर्मली सर्च करना है बाइंडी ट्यूब प्रयागराज। ओके गाइस, थैंक यू।